नमस्कार दोस्तों, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। खबर बिहार के पूर्णिया को लेकर है, जहां पर 19 मई की रात मरहुआ गांव में कथित समुदाय के सैकड़ों लोगों ने महादलित समुदाय के लोगों पर हमला बोल दिया। उस रात सैकड़ों की संख्या में आए दरिंदों ने हाथों में पेट्रोल हथियार लेकर अचानक मरहुआ के महादलित टोला पर कहर बनकर वो टूटे। बस्ती को घेर कर एक समुदाय के लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इससे भी जब मन नहीं भरा तो घरों में घुसकर महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ की कोशिश की गई। यही नहीं, महिलाओं और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों तक को बेरहमी से पीटा है। अब इस दरिंदगी के बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पूर्णिया और किशनगंज से लेकर पश्चिम बंगाल असम तक ये चिकन नेक की बात करते हैं। हालांकि इससे पहले ही असुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के नेता और बिहार की अमौर सीट से विधायक यानी कि जहां ये घटना घटी है वहीं से विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा है कि इस मामले में अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये मामला पूरी तरीके से जमीन विवाद का है। इस बात को लेकर गिरिराज सिंह ने कुछ भी खुलकर कहने के लिए लॉकडाउन और कोरोना के इंतजार तक का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर इशारा कर दिया कि शर्जील इमाम ने कहा था चिकन नेक काट देंगे, ये बहुत बड़ी घटना है। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह अत्याचार हो गया होता तो राहुल गांधी जैसे लोग पहुंच जाते। उन्नाव पर राहुल गांधी पॉलिटिक्स टूरिज्म करते हैं लेकिन इस पर चुप रहते हैं। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि सेकुलरिज्म की बात करने वालों के मुंह पर यह घटना एक तमाचा है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये चिकन नेक है क्या, जिसे लेकर आशंका ये जताई जा रही है कि ये पूरी घटना इसी वजह से अंजाम में दी गई। दरअसल चिकन नेक पश्चिम बंगाल में करीब 27 किलोमीटर का वो संकीर्ण रास्ता है जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों से अन्य राज्यों को जोड़ता है। पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी इस चिकन नेक का प्रमुख क्षेत्र है, जो भारत के नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सिक्किम, दार्जिलिंग की पहाड़ियां और पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है। भारत के नक्शे में पश्चिम बंगाल का उत्तरी हिस्सा यानी उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग के साथ बिहार का किशनगंज जिला भी चिकन नेक से जुड़ा है। बिहार का किशनगंज नेपाल के पश्चिम उत्तर से, तो वहीं उत्तर दिनाजपुर का पूर्वी भाग बांग्लादेश से जुड़ा है। बताया जाता है कि बिहार के पूर्णिया जिला के बायसी थाना क्षेत्र स्थित जिस मझुआ गांव में घटना घटी वो चिकन नेक से महज 8 किलोमीटर दूर है। अब आपको बताते हैं कि शर्जील इमाम ने AMU में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी बयान देते हुए पूर्वोत्तर भारत को भारत से जोड़ने वाले चिकन नेक को काटने की बात कही थी। और वहीं इस खबर को लेकर अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है और उसी के तहत एक बड़ा अंजाम यहाँ पर दिया गया। जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।